हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड का हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे वो इनको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हमारे द्वारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, तो जो भी ये लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ साथ, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। साथ में MCQ भी करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे चैनल में कंटिन्यू बनाए रह सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आपको ऑडिटिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। जिसने ऑडिटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर आपको CET के नाम से मिल जाएगा, CET, ठीक है। और GFAR, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, ये भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पे बिजनेस मेथड हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से हैं, 1881 के हैं, ये याद रखने। कई बार इस तरीके से एक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आज ये बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, विनिमय साध्य बिल क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ए बंदा है, इसने क्या करा, इसको बी से पैसे लेने हैं, ठीक है। ए ने क्या करा, बी को माल बेचा, यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर पेमेंट रिसीव करनी है। तो अब क्या करेगा ये, जैसे मान लीजिए बी बोल रहा है कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। बाद में कब, मतलब एक महीने बाद, दो महीने बाद। तो ये क्या करेगा, एक ए इसके लिए क्या करेगा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइट लिख के दे देगा, बोल देगा इस पे साइन कर दो, इस तारीख को मैं आपसे ले लूँगा। अब ए को आज ही जरूरत पड़ी, तो ए क्या कर सकता है, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये किसी और को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब नेगोशिएबल का मतलब है कि भाई अब ये बोलेगा कि मैं ना, देखो आप मुझसे आज पैसे ले रहे हो पर मुझे तो दो महीने बाद मिलेंगे, तो बोलेगा कि अच्छा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हैं 10,000 रुपये, ठीक है, तो ये बोलेगा 9,900 रुपये तो मैं आपको दे सकता हूँ, 100 रुपये मैं इसका चार्ज ले रहा हूँ कि मुझे एक महीने बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब देखिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये 1881, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं, ठीक है। पहले क्या था, रहित होते थे, अब शहीद होते हैं। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है, तो सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एक्ट पास किए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर पे भी समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये कब से पारित हुआ, 1 मार्च 1882 से ये पारित हुआ है पूरे देशभर में, है ना। तो उसके बाद में सन 2002 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, उसके बाद में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तब विनिमय साध्य, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का शब्द होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण योग्य, ठीक है। तो ए पर्सन से बी पर्सन को और ए से सी पर्सन को हम ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। विलेख का मतलब होता है विलेख, ठीक है, हिंदी में जो विलेख है इसका मतलब होता है एक ऐसे लिखित प्रलेख से है जो पक्षकारों के मध्य कुछ अधिकारों, कुछ जो उनके राइट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसका सृजन करता है, उसे विलेख बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, न्यायाधीश विलेस के अनुसार, ठीक है, न्यायाधीश विलेस ने क्या कहा, विनिमय साध्य विलेख वह हैं जिसका स्वामित्व उस व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है जो सद्भावना से मूल्य देकर, ठीक है, लीगली मतलब पेमेंट करके जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा वही उसका क्या होगा, मालिक हो जाएगा, वही उसका स्वामी कहलाएगा, ठीक है। भले ही जिस व्यक्ति से उसे प्राप्त किया है उसके स्वामित्व में कोई दोष हो या ना हो, तब भी उसको मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, विनिमय साध्य विलेख का अर्थ, मीनिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो देखो, जब भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करी जाएगी तो आपको इन तीन चीज़ों का याद रखना है, एक तो प्रतिज्ञा पत्र, एक विनिमय बिल, ठीक है, और एक चेक, ठीक। ये जो तीन होते हैं, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है इसमें इनके बारे में मेंशन किया गया है, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। विनिमय बिल को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट और चेक को बोला जाता है चेक, ठीक है। तो ये तीन आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की में लिखित हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी भारत में कई सारे होते हैं, जैसे लाभांश वारंट हो गया, ठीक है, रेलवे रसीद हो गई, सुपुर्दगी आदेश हो गया, हुंडी हो गई, तो ये भी क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। परंतु नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो मेंशन है वो ये तीन हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। अगर इनके अलावा ये आते हैं लाभांश वारंट, रेलवे रसीद, सुपुर्दगी आदेश, हुंडी, तो ये भी होते हैं, परंतु ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, विलेख है ना। तो विनिमय साध्य विलेख किन्हें माना जाएगा, इन तीनों को मानेंगे आप लीगली, तो ये वाले हैं, ठीक है, वो वाले भी हैं पर उनको एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दायरे के अंदर उनको काउंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखते हैं, ठीक है।
अब आ जाइए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, क्या क्या। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं ये लिखित में होने अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रिटर्न में नहीं है तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके पास में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है। तो ये लिखित में होना चाहिए, फिजिकल कॉपी होनी चाहिए आपके पास में, इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। आपने जैसे मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उठा लाए पर उस पर किसी के साइन ही नहीं है तो फिर आप किससे पैसे लेंगे, ठीक है। तो साइन भी होने चाहिए, जो मतलब अनिवार्य रूप से होने चाहिए, उसी व्यक्ति को होने चाहिए जिससे क्या होता है आपसे पैसे, आपको पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। किसी और के साइन होंगे तो वो थोड़ी पैसे दे देगा। शर्त रहित होना है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई शर्त नहीं होती है। शर्त का मतलब ऐसे है कि जैसे मान लीजिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये मैं तब दूंगा जब तुम मेरी शादी उससे करवा दोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इसमें कोई कंडीशन नहीं जोड़ सकते। आप ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिए पैसे लेने का है तो बोल रहा है कि भाई मेरी शादी करवाओ फिर मैं आपके पास आपकी पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये शर्त रहित होते हैं, कोई आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते इसके अंदर। एक निश्चित राशि व निश्चित दिनांक अंकित होनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब अब जैसे इसके अंदर कोई राशि ही मेंशन नहीं करी और डेट तो मेंशन ही नहीं करी है मान लीजिए, तो क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो एक डेट होनी चाहिए, उस डेट पे मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और अमाउंट होना जरूरी है, बिना अमाउंट के तो कैसे पेमेंट करे जाएंगे। स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। उस पर अंकित राशि तक प्राप्त करने वाले का अधिकार होता है, उससे ऊपर वो पैसे नहीं मांग सकता जो उसमें मेंशन होंगे, है ना। सुपुर्दगी आवश्यक है, जैसे मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने बोला कि भाई बी बंदे को, ठीक है। आप जैसे ए हैं, आपने बी को बोला कि तुम मुझे पेमेंट कर देना 25 तारीख को, तो इसने बोला यस 25 तारीख को कर दूंगा, ठीक है। अब इसको क्या है, आज ही जरूरत पड़ गई 5 तारीख को, इसने क्या करा ए से ये डी को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। ये उठा के इसको दे दिए, डी को दे दिए। तो अब क्या है, जो इसने ए को तो बोल दिया कि डी को बोल दिया कि भाई इस तरीके से आप बी से ले लेना, पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो इसको दिए ही नहीं है, डी को सपुर्दगी नहीं दी है। तो क्या ये डी का हक बन जाएगा, डी कैसे जाएगा बी के पास में। जब तक आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका राइट भी तो नहीं बनेगा। तो आप डी से तो पैसे ले लिए पर आपने इसको ट्रांसफर नहीं करा, तो सपुर्दगी क्या है आवश्यक होती है इनकी, जो मतलब दस्तावेज आपको हस्तांतरित करने होते हैं, ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है। और हस्तांतरण की सूचना मतलब आवश्यक नहीं है, जैसे ट्रांसफर की सूचना देना कोई जरूरी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बी को ये नहीं बोलेंगे कि मैंने डी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आप भी कोई जरूरी नहीं, जिसके पास ये होंगे बी उसको पैसे दे देगा, ठीक है। निश्चित धनराशि निश्चित समय निश्चित व्यक्ति को दी पेबल होती है, भारतीय मुद्रा में किया जाता है, इंडियन रुपीज में करना जरूरी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आप विदेशी मुद्रा में नहीं कर सकते। ऋण का हस्तांतरण है ना, एक ये क्या है, एक प्रकार का ऋण का हस्तांतरण है। अरे आप देखो विनिमय पत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है जो भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो लिखता है व्यक्ति, या वो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो वो तो या तो स्वयं धनराशि रिसीव कर सकता है या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या बिल के धारक को, जिसके पास ये बिल होता है वो क्या होता है धन की राशि मांगने के लिए एलिजिबल होता है, वो बोल सकता है कि भैया ये मेरे पास ऋण पत्र है इसकी पेमेंट करें, ठीक है। तो जिसके पास भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे वो क्या होगा लीगली पैसा रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो अभी बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, है ना, लिखे जाते हैं, तो इनको पब्लिश करने का कार्य होता है आरबीआई या फिर सरकार, ठीक है। आरबीआई या सरकार के द्वारा ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किए जा सकते हैं, और इसको भी ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा मांग पर दी ये बिल ऑफ एक्सचेंज जारी नहीं किए जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। आ जाइए अब देखिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो विनिमय बिल के पक्षकार हैं ना, तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, ये पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए तीन बंदे हैं, ड्रॉअर ड्रॉई, ठीक है, नाम याद रखना है ड्रॉअर ड्रॉई और पी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार चार्ट बना देता हूँ ड्रॉवर का, डी आर ए ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉई डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे पी। अब देखिए ये जो बंदे हैं ड्रॉवर ड्रॉई और पी, ठीक है। अब जो ड्रॉवर होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, इसने क्या होता है कोई सामान बेचा होता है, ठीक है। ड्रॉवर ने क्या है कोई सामान बेचा है, किसको बेचा है, ड्रॉई को बेचा है, ठीक है। तो अब ड्रॉई क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो पेमेंट करेगा, मान लीजिए इसने बोला कि मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा है ना, ड्रॉवर ने क्या करा 10,000 रुपये का सामान बेचा है, किसको, ड्रॉई को बेचा है। तो 10,000 रुपये के लिए इसने एक बीआर इशू कर दिया है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया इसने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा और ड्रॉई के साइन करा लिए, इसने क्या करा यहाँ पे साइन कर दिए ड्रॉई ने, ठीक है। अब क्या होगा, ड्रॉई ये आज एक तारीख है, मान लीजिए 1 नवंबर है, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं पैसे दूंगा आपको
31 जनवरी को, ठीक है, अभी 2-3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, और जबकि 1 नवंबर को आपने ये लिखा, तो अब क्या है, इसको मान लीजिए 2 दिसंबर को इसको पेमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था ये इसने बोला कि भाई ये जो डी बंदा था, ठीक है, इसको बोला कि मुझे आज पेमेंट की ज़रूरत है और 31 दिसंबर को ये मैच्योर हो जाएंगे, तो आप इस ड्रॉई से पैसे ले लेना, ठीक है। किसने बोला, ड्रॉअर ने बोला डी को। डी क्या है, अब यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, पे तब हो जाएगा जब अगर ये इसकी पेमेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसकी पेमेंट डी ड्रॉवर को कर देता है, ठीक है। तो डी ने क्या करा, ड्रॉवर को पेमेंट कर दी, और ये जैसे मान लीजिए 10,000 की जगह इसने कितने दिए, 9,800 रुपये ही दिए, 200 रुपये काट लिए, ठीक है, 2 महीने के, क्योंकि 2 महीने बाद इसको पेमेंट मिलेगी, तो 2 महीने के इसने पैसे काट के इसको दे दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट पे इसने क्या करा, इसको इशू करा लिया, ड्रॉवर ने पे ही से डिस्काउंट पे इसने ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो ड्रॉवर ड्रॉई पैसा देने वाला था ड्रॉवर को, अब ये इसको ना देकर ये किसको देगा, पेई को पैसा देगा, क्योंकि पेई के पास ये ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर वो बंदा होता है जो इस तरीके का बिल लिखता है, ठीक है। तो बिल लिखने वाला या भुगतान का आदेश देने वाला व्यक्ति को बिल का लेखक कहा जाता है और उसे ही ड्रॉवर कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, विक्रेता होते हैं, ये माल का विक्रय करते हैं, सेलर होते हैं, या फिर लेनदार होते हैं जो पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। और ड्रॉई कौन होता है, जिस व्यक्ति पर ये बिल लिखा गया है जो पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वह बिल की शर्तों का पालन करते हुए बिल का भुगतान, तिथि, बिल की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति देता है, उसे स्वीकृतिकर्ता कहा जाता है, ठीक है। पेई कौन होता है, पेई व्यक्ति होता है जिसको इस तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। अब वो पैसा रिसीव करने के लिए हकदार हो गया, जिस व्यक्ति को बिल की राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है वह प्राप्तकर्ता कहलाता है। कई बार लेखक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं, ऐसी दशा में बिक्री में 2 पक्षकार रह जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जो ड्रॉवर और पेई जो होंगे ना, ये तो एक सेम व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, पर ड्रॉई और पेई क्या सेम व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। और ड्रॉवर और ड्रॉई तो होते भी नहीं है सेम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ड्रॉवर और पेई तो सेम व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु ड्रॉई और पेई दोनों सेम व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो विनिमय बिल के प्रकार, पहला है नेचर के बेसिस पे, दूसरा है एरिया के बेसिस पे, तीसरा है टाइम के बेसिस पे, और चौथा है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप नेचर के बेसिस पे करेंगे तो आप कैसे देखेंगे इसका नेचर कैसा है, क्या ये ट्रेड बिल है या अकोमोडेशन बिल है, तो आ जाइए समझते हैं ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें एरिया के बेसिस पे इंडियन बिल होंगे, फॉरन बिल होंगे, ठीक है। टाइम के बेसिस पे साइट बिल और टेन्योर बिल, असेट एंड लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे बीआर और बीपी होते हैं, ठीक है। बिल रिसीवेबल्स एंड बिल पेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल असेट्स होती हैं, बिल पेबल लाइबिलिटीज़ होती हैं। आ जाइए इनको डिटेल में समझते हैं, उससे पहले ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर के बेसिस पे व्यापारिक बिल, ठीक है। तो व्यापारिक बिल का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई उधार माल बेचा है, खरीदा है, तो उसके लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशूज किए जाएंगे उनको बोला जाएगा ट्रेड बिल। क्या बोला जाएगा, ट्रेड बिल बोला जाता है। ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए, है ना। तो इसमें उधार माल खरीदा बेचा जाता है, इस पर स्टैंप लगा होना अनिवार्य होता है, और तो ही तभी ये वैलिड होते हैं। तब मान लीजिए किसी ने पेमेंट नहीं करी तो आप इसके अगेंस्ट में केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड बिल क्या है, उधार माल बेचने के लिए ट्रेड बिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाइए अकोमोडेशन, अनुग्रह, ठीक है। अकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब है एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को जब आर्थिक इकोनॉमिक असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है ना, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो इस तरीके के बिल का इस्तेमाल करते हैं, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी की आर्थिक सहायता हेतु जो बिल इशू किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन बिल बोला जाता है। ये किसी भी प्रतिफल के बिना स्वीकार किए जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा जाता, ठीक है। ये बिल एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी की सहायता हेतु लिखे जाते हैं, ये बिल बिना प्रतिफल के लिखे जाते हैं, इन बिलों का प्रयोग प्रतिष्ठित व्यापारियों द्वारा किया जाता है, और ये बिल व्यापारिक सौदों को नहीं दर्शाता है, ठीक है। व्यापारी की हेल्प कर रहा है, परंतु ये ट्रेड करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, ये तो हेल्प करने के लिए होते हैं एक तरीके से। आ जाइए आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना, एरिया के बेसिस पे। तो एरिया के बेसिस पे 2 तरह के बिल हैं, एक या तो इंडियन बिल होंगे या फिर फॉरेन बिल होंगे, ठीक है। इंडियन बिल
जो बिल देश की सीमाओं के भीतर, ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, इंडियन बिल बोला जाएगा, और जो बिल देश के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फॉरेन बिल बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पे साइट बिल और टेन्योर बिल, ठीक है, टाइम के बेसिस पे आप क्या देखें, टाइम का साइट का बिल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये बिल है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। अब आप गए, आपने बोला कि मुझे इसे मतलब इसको इशू वो कर दीजिए, ठीक है, भुगतान कर दीजिए, इसकी पेमेंट दे दीजिए, तो उसने लिया और आपको पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया। जब भी आप लेकर जाएंगे तभी आपको इसकी पेमेंट मिल जाएगी, तो इसे साइट बिल बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई डेट वेट नहीं पड़ी होती है, ये मांग पर दे होता है, ठीक है। भुगतान कब का होगा, जब आप इसकी डिमांड करेंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगी, इसे बोला जाता है साइट बिल। और दूसरे होते हैं टेन्योर बिल, ये टेन्योर बिल होते हैं जब इनकी वैलिडिटी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर ही ये आपको पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर है मैच्योरिटी, ठीक है, तो आप 31 दिसंबर से पहले जाएंगे तो वो काट पीट करके ही आपको पैसा देगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं पेमेंट करने के लिए सामने वाले बंदे को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनुग्रह दिवस बोला जाता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड को। तो टेन्योर बिल क्या होगा, 31 दिसंबर प्लस 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिसे अनुग्रह दिवस बोला जाता है। अब देखिए आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो असेट्स एंड लाइबिलिटी के बेसिस पे बिल रिसीवेबल और बिल पेबल होंगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल का मतलब है कि आपको सामने वाले व्यक्ति से पेमेंट लेना है, ठीक है। जब आपको पेमेंट लेना है तो वो क्या होगा, आपकी असेट कहलाएगी, तो आप उसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो करते हैं, ठीक है। तो जो बिल लिखता है, ठीक है, उसके लिए विनिमय बिल एक क्या होते हैं, संपत्ति के रूप में होता है। जो बिल पर देनदार क्रेता होता है उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो ये लेखक की क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। और बिल की राशि प्राप्त करने का अधिकार धारक को होता है, ठीक है। धारक के लिए बिल प्राप्य बिल होता है, जिसे वह अपने बैलेंस शीट चिट्ठा में संपत्ति पक्ष में दिखाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और बिल पेबल क्या होते हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, आपको ये पैसा देना होता है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ शो करेंगे, अपनी लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। जिस व्यक्ति को बिल के उल्लेखित राशि का भुगतान करना होता है उसके लिए ये बिल देय बिल कहलाता है। ऐसे बिलों की कुल राशि को वह चिट्ठी के लाइबिलिटी साइड में शो करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, बिल रिसीवेबल बिल पेबल, आप इसको समझें, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ फुल वर्ड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक है धारक, ठीक है, होल्डर। अब होल्डर कौन होता है, यह वह व्यक्ति होता है जो बिल को लिखता है, ठीक है। होल्डर के द्वारा क्या होता है, बिल लिखे जाते हैं, उसमें लिखित राशि को प्राप्त करने का उसका अधिकार होता है। दूसरा, बिल की अवधि, ठीक है, पीरियड ऑफ बिल, वह अवधि होती है जिसमें स्वीकृतिकर्ता बिल में लिखी तिथि से निश्चित अवधि तक भुगतान करता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ बिल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 नवंबर को इसने ये बिल लिखा, साइन कर दिया, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि 1 नवंबर को इशू कर दिया, और ये बोल रहा है 28 फेब को ये मैच्योर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो ये जो पीरियड है इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ बिल, ठीक है, इतने पीरियड तक रहेगा और मैच्योरिटी पर ये आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसमें कुछ ग्रेस पीरियड भी होते हैं 3 दिन के, ठीक है। जब भी ग्रेस पीरियड की बात करी जाएगी तो मैच्योरिटी प्लस 3 दिन आप इसमें जोड़ देंगे तो ये ग्रेस पीरियड कहलाता है, ठीक है। 3 दिन का क्या होता है, इसमें ग्रेस पीरियड होता है। बिल का भुगतान तिथि निर्धारित करते समय भुगतान तिथि में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, अनुग्रह ग्रेस पीरियड बोला जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को मैच्योर होना था, इसमें 3 दिन जोड़ दिया, तो 3 दिन इसको क्या बोलेंगे, ग्रेस पीरियड बोला जाता है, ठीक है। चौथा, बेचान एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो आप क्या करेंगे, आपने एक बिल लिखा, अब इसको क्या है, हस्तांतरित कर देंगे। आज जैसे मान लीजिए ए है, ए को पैसा आज ही चाहिए, तो ये अपने भाई सी को पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, और इनको दोनों को पैसा किससे रिसीव करना है, इन दोनों को पैसा रिसीव करना है, मतलब ए को पैसा रिसीव करना था एम से, ठीक है। अब एम से ये ए को ना मिलकर इसने क्या करा, अपने राइट सी को ट्रांसफ़र कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो अब क्या होगा, एम से पैसा कौन रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा, ठीक है। तो एंडोर्समेंट क्या होता है, अपने राइट्स किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देना, बेचान कर देना, उसे ही एंडोर्समेंट कहा जाता है। और जिसके पास में ये बिल ऑफ रिसीवेबल्स होंगे वही पेमेंट रिसीव करने का हकदार होता है, ठीक है। फिर ए नहीं जा सकता, जिसके पास होगा वही जाकर पैसा ले पाएगा। अब आ जाइए डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, जैसे मान लीजिए जिस दिन भी होना है उसमें 3 दिन जोड़कर जो आप डेट निकालते हैं उसे डेट ऑफ मैच्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। बिल के भुगतान करने की तिथि को ही परिपक्व तिथि कहा जाता है। ये दर्शनी बिल है तो बिल बनाते समय लिखी गई भुगतान तिथि को ही परिपक्व तिथि कहा जाएगा, और यदि ये
है ना, यदि सावधि बिल है ठीक है, तो भुगतान निधि तिथि निर्धारित की जाती है। सावधि मतलब जो भी टेन्योर होता है ठीक है उस पीरियड में। तो बिल का प्राक्रमण, नेगोशिएशन ऑफ बिल ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब है कि जब कोई बिल या प्रतिज्ञा पत्र किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो उस बिल का धारक बन जाता है ठीक है, उस बिल का प्राक्रमण कहलाते हैं, उसे नेगोशिएशन ऑफ बिल कहा जाता है ठीक है। नेगोशिएशन का सिंपल सा मतलब यही है कि ए को आज ही पैसे चाहिए और ये डी से बात कर रहा है ठीक है, और इसमें मान लीजिए 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करे जाना है, तो ए बोल रहा है कि तुम 9,500 रुपये ले लेना ठीक है, और ये बोल रहा है नहीं मैं 9,000 ही आपको दूंगा ठीक है, मैं 1,000 रुपये लेना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं तुम मुझे 9,500 दे दो, ये बोल रहा है 9,000 दूंगा, तो ये क्या है नेगोशिएशन कर रहे हैं जब इस बिल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये नेगोशिएशन ऑफ बिल बोला जाता है ठीक है। बिल की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ठीक है, बिल के लेखक के आदेश की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस मतलब जो भी पेमेंट देगा तो वो क्या होगा अपना साइन करेगा, साइन करने का मतलब है उसने एक्सेप्ट किया है बिल को कि भैया वो इस तारीख तक आपको पेमेंट कर देगा ठीक है। अब देखिए बिल का, बिल को भुनाना, बिल को भुनाना मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का सिंपल सा मतलब यही है कि आज वो मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले आप चले गए पेमेंट लेने, तो जैसे मान लीजिए 15 दिन पहले चले गए आप पेमेंट लेने ठीक है, तो 15 डेज के जो पैसे काट लिए जाएंगे, 15 दिन बाद जो मैच्योर होता फिर जो पेमेंट मिलता ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पहले ही काट लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, पहले ही भुगतान कराना ठीक है। तो बिल के लेखक को बिल के भुगतान देय तिथि से पूर्व रुपये की आवश्यकता होती है, तो वह इसे बैंक के बट्टे पर भुनाकर रुपये प्राप्त कर सकता है, बदले में बैंक रुपयों का भुगतान जितनी अवधि के पूर्व किया जा रहा है उस अवधि के हिसाब से ब्याज बट्टा काटकर शेष राशि धारक को प्रदान करता है, इसे ही बिल का बनाना कहा जाता है ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखें ठीक है। बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर का ऑनर ऑफ बिल का मतलब है कि जिस दिन ये मैच्योर हुआ वो बंदा गया ठीक है, ए के पास में क्या है एक बिल है ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, अब ये क्या हुआ 31 जनवरी को मैच्योर हो रहा था, अब ये गया बैंक में ठीक है, अब बैंक में बैंक ने डिसऑनर कर दिया क्योंकि सामने वाला जो बंदा था एम उसने अकाउंट में पैसे ही नहीं डाले ठीक है, तो ये क्या हो गया बिल डिसऑनर हो गया। तो अब क्या करेगा ये जो बंदा है ए, ये जाएगा नोटरी पब्लिक के पास में ठीक है, नोटरी पब्लिक से बोलेगा कि भाई इस तरीके से मैंने ये बिल लगाया था ये वो हो गया है ना फेल हो गया ठीक है, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या करेगा नोटरी पब्लिक एक और बिल लिखेगा ठीक है, अब ये वापस से एम के अकाउंट में भेजेगा है ना, एम के पास भेजेगा, एम ने वापस से डिसऑनर कर दिया, तो नोटरी बोलेगा कि भाई हाँ ये वाकई में डिसऑनर हो गया, तो हम अब इसको नोटिंग चार्जेस इशू कर देते हैं ठीक है, तो वो नोटिंग चार्ज इशू कर देंगे एम के लिए कि भैया तुमने इस तरीके से तुम्हारा बिल डिसऑनर है, आ जाइए कोर्ट में अंदर आ जाइए ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे निकराई या फिर प्रमाणन व्यय बोला जाता है, नोटिंग चार्जेस बोला जाता है ठीक है। तो ये बिल के अनादरण पर वैध प्रमाण प्राप्ति के लिए किए गए व्यय से है, जब बिल का अनादरण होता है तो बिल का जो धारक होता है उस बिल को न्यायालय से मान्यता सरकारी अधिकारी जिसे नोटरी पब्लिक कहते हैं उसके पास ले जाता है, तथा नोटरी पब्लिक एक बार पुनः उस बिल को स्वीकृतकर्ता के पास भुनाने के हेतु प्रस्तुत करता है। इस बार भी बिल का भुगतान नहीं होने पर ठीक है, दूसरी बार जब नोटरी पब्लिक ने उसे भेजा तो उसमें भुगतान नहीं होने पर नोटरी पब्लिक यह प्रमाणित करता है कि बिल अनादरित हो गया है, डिसऑनर हो गया है, यही प्रमाण है कि इस कार्य के लिए जो नोटरी पैसा लेता है उसे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल में जब नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे और नोटरी पब्लिक जो आपसे चार्जेस लेगा ठीक है उसे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है ठीक है, मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, इस तरह का काम है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल होना बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेईमानी करते हैं पैसा नहीं देना चाहते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में सम्मिलित हैं, एक तो चेक हो गया, विनिमय पत्र हो गया, और इनमें से क्या हो गया तीसरा, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी या औपचारिक पत्र। तो आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट टीआर एग्जाम 2015 में आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि विनिमय साध्य विलेख जो हैं वो चेक होते हैं, विनिमय पत्र होते हैं, और इनमें से क्या होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, हुंडी होता है, और या औपचारिक पत्र होता है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, बहुत ही ईजी है, लेक्चर में भी आपको बताया गया है ठीक है। अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से देखा सुना होगा तो आपको ये इसका आंसर एक सेकंड में आ जाएगा, अदरवाइज तो आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में इसके ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरीज है कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय सब लोग।